हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फील गुड विथ वही संतोष में मैं हूँ वही संतोष, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम मौजूद हैं। और इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऐसा आप कर चुके हैं तो आप जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यह वीडियो बहुत खास होने वाली है और इसमें आप बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक, जिसमें हम एक एक करके 90 की दशक की 10 अभिनेत्रियों की, उनकी जाति, उनकी वर्तमान में उम्र, उनकी शुरुआत में आई हुई पहली फिल्म और उनकी सफलता किस फिल्म से मिली, इस पर हम बात करेंगे। और यह वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस कड़ी में हम बात करते हैं, जो पहली अभिनेत्री है वो है महिमा चौधरी। फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1999 में परदेश फिल्म से जाने माने फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई की फिल्म निर्देशन में की थी, और इसमें हीरो के रूप में शाहरुख खान थे। और आज के डेट में ये फिल्म अभिनेत्री 46 साल की हैं। वही जो है ये जाट कम्युनिटी से आती हैं, मतलब इनकी जाति जाट है, और इनका जो जन्मदिन है वो 13 सितंबर 1973 है। दूसरी फिल्म अभिनेत्री हैं उर्मिला माटोंडकर। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री उर्मिला माटोंडकर ने अपने करियर की शुरुआत नरसिम्हा फिल्म से एन चंद्रा के फिल्म निर्देशन में वर्ष 1991 में की थी, और रंगीला फिल्म से इन्हें प्रसिद्धि मिली। वहीं आज के डेट में ये 46 साल की हैं, 4 फरवरी 1974 इनका बर्थडे है। और इनके जाति की बात करें तो ये साउथ इंडियन ब्राह्मण हैं। इसके बाद जिस फिल्म अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं वो है मनीषा कोइराला। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सौदागर फिल्म से फिल्म निर्देशक सुभाष घई की फिल्म निर्देशन में दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ काम की थी। वहीं अगर इनके उम्र की बात करें तो आज के डेट में 50 साल की हैं, 16 अगस्त 1970 इनका जन्मदिन है। और इनके जाति की बात करें तो ये जो है नेपाली ब्राह्मण हैं। इसके बाद जिस फिल्म अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं वो तब्बू है, और इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत पहला पहला प्यार से की थी, और यह फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई थी, लेकिन उन्हें पहली सफलता के रूप में जो फिल्म मिली वो उस फिल्म का नाम है विजय पथ। वर्ष 1994 में यह फिल्म आई थी, इसमें अजय देवगन और गुलशन गोबर ने इनके साथ काम किया था, और इस फिल्म को फारूक सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया था। वहीं पर अगर हम बात करें तो इनका जो जन्मदिन है 4 नवंबर 1971 है, और ये हैदराबादी मुस्लिम है। और इनके उम्र की बात करें तो आज के डेट में ये 49 साल की हैं। इसके बाद जिस फिल्म अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं वो है रवीना टंडन, और इन्होंने अपनी पहले फिल्म पत्थर के फूल से अपने कैरियर की शुरुआत की थी वर्ष 1991 में, वहीं पर जिसको आनंद बाली ने डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म में सलमान खान उनके हीरो थे। वहीं इनके अगर जन्मदिन की हम बात करें तो 26 अक्टूबर 1974 को जन्मी ये फिल्म अभिनेत्री आज के डेट में 45 साल की हैं। वहीं इनके जाति की बात करें तो इनकी जाति खत्री है। के बाद जो फिल्म अभिनेत्री हैं वो है फिल्म अभिनेत्री काजोल, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म बेखुदी से की थी, और यह फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई थी, लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी हिट फिल्म थी वो 1993 में, यानी कि पहली फिल्म के एक साल बाद 1993 में इनकी फिल्म आई थी बाजीगर। वहीं पर आज के डेट में काजोल की उम्र की बात करें तो 46 साल की हैं। 1974 में इनका जन्म है, 5 अगस्त 1974 को ये जन्मी हुई हैं। वहीं इन्होंने अजय देवगन के साथ वर्ष 1999 में शादी करके अपना परिवार पसा लिया है। वहीं इनके जाति की बात करें तो इनके फादर के दृष्टिकोण से ये बंगाली ब्राह्मण हैं। जिस फिल्म अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं वो है जूही चावला। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने एस मुकुल आनंद की फिल्म निर्देशन में अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1986 में की थी, और आज के डेट में ये 52 साल की हैं। इनके जन्मतिथि की बात करें तो वो है 13 नवंबर 1967, और ये इनके जाति की बात करें तो इनकी जाति जो है पंजाबी खत्री है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 86 में सुल्तान फिल्म से की थी, लेकिन इन्हें बड़ी सफलता की अगर बात करें तो मंसूर खान की कयामत से कयामत तक में मिली थी, जो आमिर खान के बाप हैं, और इस फिल्म में इनके हीरो आमिर खान थे। इसके बाद जो फिल्म अभिनेत्री हैं वो हैं करिश्मा कपूर, और आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने अपने करियर की शुरुआत प्रेम कैदी से 1991 में की थी, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता वर्ष 1993 में अनाड़ी फिल्म से मिली थी, और आज के डेट में ये फिल्म अभिनेत्री 46 साल की हैं, और इनका जन्मतिथि जो है 25 जून 1974 है। इनके जाति की बात करें तो ये पंजाबी खत्री जाति से आती हैं, और ये पंजाबी खत्री हैं।
कि बाद जो फिल्म अभिनेत्री हैं वो हैं माधुरी दीक्षित। और माधुरी दीक्षित ने अपने करियर की शुरुआत अबोध फिल्म से 1984 में की थी। वहीं पर इन्हें सफलता की अगर बात करें तो इन्हें पहली सफलता जो है तेजाब फिल्म से 1988 में मिली थी, जिसे एन चंद्रा ने डायरेक्ट किया था और इनकी अपोजिट अनिल कपूर थे। और आज के डेट में ये जो है 53 साल की हैं और इनका जन्मदिन 15 मई 1967 है। अगर इनके जाति की बात करें तो इनकी जाति ब्राह्मण है। इसके बाद जिस फिल्म अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं वो है श्रीदेवी। और आपको बता दें कि श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म सुलहवा सावन से 1979 में की थी, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता हिम्मत वाला फिल्म से 1983 में मिली थी, जिस फिल्म को साजिद खान ने निर्देशित किया था और श्रीदेवी के अपोजिट जितेंद्र हीरो के रूप में थे। वहीं आपको बता दें कि 54 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था और इनका जन्म 13 अगस्त 1963 है। और इनके अगर जाति की बात करें तो ये ब्राह्मण जाति की हैं। बता दें कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऐसा आप कर चुके हैं तो आप जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।